जोरदार ताड़ियां। मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी साढ़े दरम्यान पहुंच चुके हैं। जी आयां नूं आप सब का इत्थे पहुंचण ते असी जिला प्रशासन संगरूर की तरफों निघा स्वागत करते हाँ। उन्हां दे नाल पंजाब दे वित्त मंत्री सरदार हरपाल सिंह चीमा जी, सूचना ते लोक संपर्क मंत्री श्री अमन अरोड़ा जी, वातावरण मंत्री श्री गुरमीत सिंह मीत हेयर जी, जंगलात मंत्री श्री लाल चंद कटारू चक जी समेत वक् वक् शख्सियतां पहुंचिया हन। बहुत बहुत स्वागत है। 72वें राज पद्धरी वन महाउत्सव का रस्मी तौर पर आगाज करन तों बाद मुख्यमंत्री जी साढ़े दरम्यान पहुँच चुके हैं। हुण मैं सत्कार दे नाल सद्दा दिंदा हाँ डिप्टी कमिश्नर संगरूर श्री जतेंद्र जोरवाल जी, मुख मेहमान जी अते होर शख्सियतों का स्वागत करनगे। डिप्टी कमिश्नर संगरूर श्री जतेंद्र जोरवाल जी, हेलो सर, अज दे इस खुशगवार मौके ते मैं आप सब दा इत्थे पहुंचण लई तहे दिलों स्वागत करदा। साडे लई बहुत खुशी दी गल है कि साडे दरम्यान पंजाब दे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी विशेष तौर ते पहुंचे हन अते इस मंच ते सिंगल यूज प्लास्टिक दे पाबंदी मुहिम दा आगाज़ कर रहे हन अते नाल ही वातावरण नूं हरिया भरिया रखण लई मुख्यमंत्री जी वल्लों कुछ देर पहला ही वन विभाग पंजाब दे 72वें वन महोत्सव बनाउण दा उद्घाटन भी किया गया। मैं अज दे इस स्टेट लैवल फंक्शन ते शामिल होण लई माननीय मुख्यमंत्री जी दा कैबिनेट मंत्री साहिबान हरपाल सिंह चीमा जी, अमन अरोड़ा जी, गुरमीत सिंह मीथेयर जी, लालचंद जी, MLA संगरूर मैडम भराज जी, MLA लहरा गोयल साहब जी, MLA अमरगढ़, MLA मलेरकोटला जी का स्वागत करदा, नाल ही एडिशनल चीफ सैक्रटरी मैडम राजेश श्रीवास्तव अते सैक्रटरी साइंस एंड टैक्नोलॉजी राहुल तिवाड़ी जी का निघा स्वागत करदा। नाल ही मैं मुख्यमंत्री जी नूं विश्वास दवांदा हाँ कि दूरी दे इस मंच तो आरंभ होने वाली यह मुहिम जिला संगरूर विच सफलता ते तनदेही नाल लागू की जाएगी। सर जिला संगरूर विच इस मुहिम के तहत असी अमृतवंदी भी शुरुआत की है जिदे विच असी संगरूर जिले के 600 एकड़ पंचायत जमीन पर ए फॉरेस्टेशन कर रहे हैं सर, उत्थे जंगल लगा रहे हैं सर। माननीय मंत्री साहिबान अमन अरोड़ा जी प्लस हरपाल सिंह चीमा जी वालों भी सर इन्हों ए फॉरेस्टेशन है वो शुरुआत की जा चुकी है सर। ये सर पंचायतों इनकम भी होगी तो सर मेरा वादा है थोड़े नाल एक साल के सर वो जोड़े दरख्त है वो पंचायत को इनकम भी देन लग जाएंगे। सर इस तो अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक वास्ते सोर्स सैग्रीगेशन की बहुत लोड़ है। सारे के सारे म्यूनसीपल कमेटीज़ काउंसिल असी माइक्रो प्लैन बना रहे हैं तो जिस तरह का माइक्रो प्लैन सर असी बनेगा सोर्स सैग्रीगेशन राही सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन वास्ते साड़ी मुहिम शुरू हो चुकी है सर। एक बार फिर तो आप सब का इत्थे पहुंचण ते बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी कमिश्नर संगरूर श्री जतेंद्र जोरवाल जी। हुण पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड वालों तैयार की गई शॉर्ट वीडियो आप सब दे सामने पेश की जाएगी। कृपा करके वीडियो चलाई जाए। एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम तहां मैं फलिया। मनुख कुदरत दी सिखरली सरजना
ਤੇ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਧੂਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਧੁਆਂਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪੋਸ਼ਣ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 51A ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਹਵਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੂਏ ਸੜਕੀ ਧੂੜ ਤੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੱਡ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਬਦਲ PNG ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬਦਲ CNG ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਲੋਕ ਤਤ ਹੈ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਗੰਧਲੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀ ਕਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੋਲਫਿਨ ਅਤੇ ਘੜਿਆਲ ਵਰਗੇ ਜਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁੜ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100% ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੋ ਮਾਰ ਦੀ ਰੂੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ ਕੂੜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੇਸਟ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਵੇਸਟ ਟੂ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਰੈਮੀਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿੱਟੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਨੰਤ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਹ ਕਾਰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਬਾਇਓ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤਮੰਦ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੋਣ ਖਰੇ, ਭੁੱਖ ਰੋਗ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਿੰਨੋਂ ਹੋਣ ਪਰੇ। ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਰੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰਗ ਹਨ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫੇਫੜੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 7.5% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਕਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੌਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਪਾਰਕ, ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਰੁੱਖ ਟਾਲੀ, ਕਿੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਵਰਗੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਡੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦੇਹ ਨਰੋਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਸੀਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰੋਈ ਦੇਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲਹੂ ਧਮਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਕੱਲ ਜੋਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸੜਕੀ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਨਰੋਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਨੈਸ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 100% ਜਣੇਪੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡ ਅਗਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਰੋਏ ਤਨਾ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਟ ਰਾਈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਸ਼ਣ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੜਕ ਪੂਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
वातावरण ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜਾ ਪਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤੱਕ 50% ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨ 2070 ਤੱਕ कार्बन डाइऑक्साइड दे रसाव नू जीरो कर देने दे टीचे प्राप्त करने संभव हो सकणगे। आओ होका दईए, आम आदमी दा ए सुपना स्वस्थ होवे पंजाब अपना। एसी पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड वालों विशेष तौर ते तैयार की गई वीडियो हूँ इतने तुहाडे सामने सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बेनड़ा की विद्यार्थन रिधिमा शर्मा अपनी पेशकारी देगी। अज के इस मुबारक दिन ते मानयोग मुख मेहमान जी, प्रधानगी मंडल, सत्कार बजुर्गो, भैनों, वीरो अते मेरे साथियों, सत श्री अकाल। मैं रिधिमा शर्मा सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल पेंडड़ा दे विद्यार्थन एक बार वरते जाने वाले प्लास्टिक दे होने वाले नुकसान बारे अपने विचार पेश करन लगी हाँ। आस है कि तुसी जरूर ध्यान दोगे। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, साडे गुरु साहिबाना ने पवन भाव हवा नू गुरु, पानी नू पिता अते धरती नू माता दा दर्जा दे के वडियाया है। कातर ते इस कुदरत ने मनुख दे बसेवे लई ओह हर शै पैदा कीती जो उस दे तंदरुस्त जीवन लई वरदान सी, पर मनुख दी लालची अते स्वार्थवादी सोच करके धरती हवा अते पानी नू प्रदूषित कर दिता। इस दे अनेका कारण हो सकते हैं, पर कुछ कारण अजिहे हैं जो असीं जान बुझ के अखों परोखे किते हुए हैं, जिवें कि प्लास्टिक दी वरतों। लगभग 80% लोगों के घरां विच कपड़े जां जूट दे थैले होण दे बावजूद वह बाजार जान लगे इन्हां नू नाल लैके नहीं जाते। दुकानदार सब्जी वाला होवे, फलां वाला होवे, कपड़े वाला होवे, समान नू प्लास्टिक दे लिफाफ्यां विच पैक कर दिंदा है अते लिफाफा ना फटन दी गरंटी दिंदा है। जद असी घर आ जांदे हां तां असी समान तां साब लैंदे हां, पर लिफाफे गलियां विच सुट दिंदे हां। एह लिफाफे नालियां अते सीवरेज विच चले जांदे हां, जिस कारण नालियां दा पानी नहीं वहिंदा। यह पानी गलियां विच इकट्ठा होके बदबू मारदा है, मच्छर मक्खियां अते होर परजीवियां दा घर बनदा है अते अनेक जानलेवा बीमारियां दा कारण भी बनदा है। कुछ लोग लिफाफे इकट्ठे करके अग लगा दिंदे हन अते सोचदिया असी बहुत वड्डा पुन्न कर लिया, पर मेरे दोस्तों अजिहा नहीं है। प्लास्टिक नूं जलाउण ते इस विचों निकलदियां हानिकारक गैसां साडी हवा नूं दूषित करदियां हन अते सांह दीआं बीमारियां दा कारण भी बनदियां हन। जीव जंतु प्लास्टिक नूं खा के मर रहे हन। इस लई जेकर असी प्लास्टिक दी वरतों तों परहेज कर लईए तां असी हवा, पानी अते धरती नूं काफ़ी हद तक प्रदूषित होण तों बचा सकते हाँ। मेरे दोस्तों, मैं तुहानूं दसना चाहुंदी हाँ कि पंजाब दे मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी दी सरकार ने प्लास्टिक दी वरतों ते रोक लगा दित्ती है। जेकर कोई दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक दी वरतों करता है तां उस नूं भारी जुर्माने चुकाने पैणगे। मेरे वीरो, जेकर तुसी अपना सौदा प्लास्टिक दे लिफाफे विच पवा लिया तां तुहाडे हत्थ विच फड़िया प्लास्टिक दा लिफाफा तुहानूं भी भारी जुर्माने दा हकदार बना देवेगा। सो आओ रल के हंबला मारिए अते सिंगल यूज प्लास्टिक नूं बाय बाय कहिए। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दे महावाक नूं नमस्तक होइए।
प्रण करिए कि असीं कपड़े या जूट दे थैले दी वरतों करांगे अते अज दे इस प्रोग्राम नूं सार्थक बनाउण विच अपना वडमुला योगदान पावांगे। धन्नवाद। बहुत वधिया सुनेहा इस बच्ची ने दिता है। मुख्यमंत्री जी की सोच नूं घर घर पहुँचाउण दा यह सही समा है। वण महाउत्सव के तहत हुण सत्कार दे नाल सद्दा दिंदे हाँ पंजाब दे जंगलात मंत्री श्री लाल चंद कटारू चक जी नूं कि वह भी तुहाडे सब दे नाल अपने शब्दां दी सांझ पाउणगे। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री श्री लाल चंद कटारू चक जी। बहुत ही सत्कारयोग पंजाब दे लोकां दे हर मन प्यारे आगू मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी मंच ते बैठे कैबिनेट सहयोगी MLA साहिबान वख वख महकमें दे अधिकारी साहिबान और इस भागा भरे पंडाल च बैठे पंजाबी भैणों ते भराओ अज एक बहुत महत्वपूर्ण विशा जिहदे लई असीं सारे इत्थे इकट्ठे होए हाँ उंज तां अज पंजाब पद्धरी वण महाउत्सव मनाया जा रहा है और आम तौर पर पंजाब के लोगों के मन अंदर वणां दे प्रति चेतनता पैदा करनी एक जिग्यासा उभारनी ये मानयोग मुख्यमंत्री की अगुवाई दे विच पंजाब सरकार की एक समझदारी है एक रूडमैप है। सो अज वातावरण नूं कई पक्षों तो वड्डियां चुनौतियां ने जिवें एक छोटी प्यारी बच्ची जिक्र करके गई है चाहे वह प्लास्टिक का विषय है साफ सफाई का विषय है ये नाल नाल जिहड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा दुनिया के अंदर उहदे विचों भी गंभीर चुनौतियां मनुखी जीवन के सामने अज खड़िया ने तां पंजाब भी उहदे तो बच नहीं सकता पंजाब भी वखरा हो गया तो नहीं रह सकता। सो अज लोड़ां दी लोड़ है। वैसे तो वातावरण के संबंध बहुत ही कमाल दियां इतिहासिक गल्लां इतिहासिक शब्द साढ़े गुरु साहिबाना ने कहे आ जिहड़ा असीं रोज़ चारदे हाँ। कई वातावरण प्रेमियों ने भी अपनी जिंदगी इस पासे लाई है। बहुत रोशन माइंड लोग संसार के अंदर पंजाब के अंदर भी आपो अपने ढंगा दे नाल वातावरण की चिंतावां नूं लैके वो काम कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं ते पंजाब दी सरकार दा जतन है उन्हां सारे लोकां नूं कट्ठे करके उन्हां दीआं सेवावां में लईआ जाण ते पंजाब दे जनमानस दे अंदर इस महत्वपूर्ण चुनौती दा मुकाबला करन दे लई चेतनता पैदा कीती जावे इह मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी दा उद्देश भी है। सो अज वण महाउत्सव दे उत्ते मैं तुहानूं जरूर बेनती करदा पंजाब दे अंदर जंगलात महकमे ने एक माहौल खड़ा करन दा एक हालात जिहड़े सानूं विरासत च मिले आ उहदे चों निकलण दा जतन कीता। आम तौर ते पंजाब दे लोक शायद इह समझदे आ कि वण विभाग दे अंदर कुछ अधिकारी हुंदे आ DFO हुंदा वण रेंजर हुंदा पर वण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सो मैं तुहानूं जरूर बेनती करदा तुसीं भी अपने घरां च अपनी जमीन च जिन्ना भी तुसीं बूटे ला सकते हो वो जरूर लायो और मैनू खुशी है इस गल दी पंजाब दे अंदर जीरे दे विच एक किसान ने अपनी 2.5 एकड़ जमीन निजी मालकी चो वण विभाग नूं दित्ती आ तुसीं इत्थे वण सार लो। आ 3-4 दिन पहलों 10 कनाला जमीन पटियाले दे अंदर एक किसान ने दित्ती है। सो इस करके असीं एक माहौल पैदा करना चाहुंदे आ पंजाब दे लोकां दे मनां दे अंदर। सो मेरी तुहानूं भी बेनती है असी वण विभाग के वलों शहीद आजम भगत सिंह हलावर लहर वो तहत 58 लाख बूटे पंजाब के अंदर लाने का टीचा मिथ्या साड़ी कैंपा योजना जिदे तहत साढ़े अपने राखवे वण है 52 लाख बूटे वो
उस स्कीम के तहत लाए जाने हैं ते नाल दी नाल त्रिवेणिया निम बोर ते पिपल जेड़े साड़ी विरासत दे नाल बड़े खूबसूरत ढंग नाल जुड़े जेड़े साड़े सभ्याचार दे अंदर भी बहुत वड्डी थां रखदे आ वह भी हजारां दी गिनती च पंजाब चलाईयां जा रही ने। सो लगभग 1,20,00,000 बूटे पंजाब की धरती ते लाण दा टीचा, मनुखी जीवन दे लई विज्ञानक तौर ते 33% जंगल चाहीदा, पर पंजाब बहुत पिछे आ। 3.5% पंजाब जंगल असीं अगे वधना चाहुंदे आ, सड़प्पा मारना चाहुंदे आ। सो मैं तुहानू भी बेनती कर रहा अपने अपने घरां जमीना जिथे भी पौधे ला सकदे हो ये जरूर लायो। ते नाल मैं ये भी गल जोर दे के कहनी चाहुंदा, ना केवल बूटे लाउणे आ, इहनां नूं अपने धीआं पुत्तां वांग सामना ते निशाना मिथना भी आने वाले 5-10 साल के अंदर यह बूटा बुलंदियां सुबह ते मैं पंजाब के वातावरण शुद्ध करन दे विच अपना कोई योगदान पा सकां। सो मैं तुहानूं सद्दा दे रहा वख-वख जिलों के अंदर साढ़े अधिकारी सहिबानां नूं मिलके तुसीं पौधे लै सकदे हो, मल्टी कलर के पौधे आ, फुल्लां वाले आ, फलां वाले आ, कमर्शियल बूटे आ। सो जिउंदा वसदा रहे साडा पंजाब, जिहड़ा मानयोग मुख्यमंत्री जी ने रंगला पंजाब बनाउण दा सुपना लिया उहनूं हकीकत विच तुहाडे सहयोग तों बिना अमल च लिआउंदा नहीं जा सकदा। सो मैं आस ते उम्मीद करदा तुसीं वी पंजाब नूं वातावरण शुद्ध करन दे विच अपनी वड्डी भूमिका अदा करोगे, यही अज साडे सामने सारिआं दे चुनौती है। सो इस आस ते उम्मीद नाल तुहाडा सभ दा बहुत बहुत धन्नवाद, मेहरबानी, शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जंगलात मंत्री पंजाब श्री लाल चंद कटारू चक जी का। हुण मैं सत्कार दे नाल सदा दिंदा हाँ वातावरण मंत्री पंजाब श्री गुरमीत सिंह मीत हेयर जी नूं कि वह इत्थे आ के तुहाडे नाल अपने शब्दां दी सांझ पाउणगे। धन्यवाद जी। स्टेज पर विराजमान पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह जी मान, मानयोग मंत्री चीमा साहब अमन अरोड़ा जी ते मेरे सारे जिन्हें भी सत्कारयोग साथी MLA साहबान ते स्टेज पर विराजमान सारी सत्कारयोग ब्यूरोक्रेसी ते होर जिन्हें भी संगरूर जिले के जिन्हें भी सत्कारयोग सज्जन इत्थे पहुँचे है, मैं सारयां दा धन्नवाद करदा ते गज के बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज मैं धन्नवाद करदा मुख्यमंत्री साहब दा कि जिन्हां ने अज बहुत इंपोर्टेंट जिहड़ा मुद्दा हैगा उहदे ते अवेयरनैस क्रिएट करन दे लई, लोकां नूं जागरूक करन दे लई ते इक पॉजिटिव तरीके नाल जिहड़ी मुहिम है चलाउण दे लई अज उहदा आगाज़ जो उहनां दा हलका हैगा इत्थों धूरी विखे कीती है। क्योंकि मैं जदों CM साहब नाल इह गल कीती कि प्लास्टिक जिहड़ी सिंगल यूज प्लास्टिक है उह बैन, क्योंकि उपरों सेंटर सरकार दा भी इह बैन करनी करनी है ते सारिआं नूं साडी जिम्मेवारी भी बनती है साडे समाज प्रति साडे वातावरण प्रति कि असी बंद करिए। ते जदों मैं CM साहब नाल इहदे बारे गल कीती तां उन्होंने कहा कि आपां किसे ते भी सख्ती नहीं करनी क्योंकि 3 करोड़ जिहड़े पंजाब दे वासी ने वो अपने ने ते आपां सारिआं नूं नाल लैके चलना ते इक पॉजिटिव मुहिम दी पंजाब च शुरुआत करनी है। तो मैनूं पूर्ण विश्वास है कि सानू सख्ती नहीं करनी पैनी, पंजाब दे लोक वातावरण नूं प्यार करन वाले आ, बड़े चिंतित लोग ने। ये अपने आप जिहड़ी प्लास्टिक है सिंगल यूज प्लास्टिक चाहे जिहड़े प्लास्टिक दे कैरी बैग है अपने आप जिहड़ा उहनां नूं वरतों करनी जिहड़ी है बंद करनगे। सो मैं जिन्ने भी तुसीं सत्कारयोग सज्जन इत्थे आए हो तुहानूं सारिआं नूं पता है कि की जिहड़े प्लास्टिक दे नुकसान ने। 56 लाख टन प्लास्टिक हर साल भारत में मार्केट चाहती है तो उस तकरीबन अद्धी भी नहीं जिहड़ी रीसाइकल हुंदी है, बाकी सारी साढ़े कह लो भी
इनवायरमेंट दे विच चली जाती है, समुद्रां दे विच चली जाती है, साडी धरती दे विच चली जाती है, जिहदा नुकसान साडियां जिहड़ियां होण वालियां पीढ़ियां सानूं भी चलना पै रहा ते आउण वालियां पीढ़ियां नूं भी चलना पऊगा। इत्थों तक कि जिहड़े 114 प्रजातियां ने जिहड़ियां समुद्र दीआं, जिन्हां दे पेड़ च भी जिहड़े प्लास्टिक दे जिहड़े कण है ओह आउण लग गए, जिहड़े असीं जिहड़े मनुखां उहदा सेवन भी जिहड़े असीं कर रहे हां, अज्ज जम्मदे बच्चे च भी जिहड़े प्लास्टिक दे कण है ओह आ रहे हैं। कल्ली सेहत नहीं, सीवरेज ब्लॉक की जिहड़ी समस्या है वह भी सारी प्लास्टिक जिहड़े कैरी बैग्स उहनां करके हुंदी है। जानवर साढ़े पता नहीं किन्ने लखां की गिणती च हर साल जदों प्लास्टिक के लिफाफे उन्होंने अंदर चले जाते हैं, बड़ियां की जिहड़ी मौत है हो जाती है। सो मेरी थोनू सारयां नूं बेनती है कि साडी ये सारयां की जिम्मेवारी बनती है कि असी प्लास्टिक है जिहड़ी सिंगल यूज आ, चाहे जिहड़े विआहां च वरती जाती है, कौलियां प्लेटां हुंदियां ने जिहड़ियां, स्ट्रॉज हुंदियां ने, होर भी है जिहड़ी एक बारी वरत के आपां सुट दिंदे आ, इह 400 साल तक ये खत्म नहीं हुंदी, जिथे सुटदे हो उत्थी पई रहिंदी हैगी। सो मेरी थोनू सारयां नूं बेनती है कि कुदरत ने सानू बहुत कुछ दिता, तो सारा कुछ मुफ्त च दिंदी है। सो साडी ये जिम्मेवारी बनती है कि आने वाली पीढ़ियां की खातर, साडे बच्चों की खातर, जे असी उन्हां साफ सुथरा वातावरण देना, जे असी उन्हां एक अच्छी जिंदगी देनी है, तो असी सारे अपना धर्म मानते हुए अज तो सिंगल यूज प्लास्टिक ते जिहड़े प्लास्टिक जिहड़े कैरी बैग है उन्हां असी बंद करिए। इहदे च कोई आ बच्ची भी बोल के गई है, कोई शर्म वाली गल नहीं, इदू पहला साढ़े बापू सारे घरों झोली लैके जाते होंगे सी, हुण पता नहीं असी किहड़ी गल्लों शर्म मानते हैं भी सानू जिहड़े जूट दे बैग है झोले ले जांदे नू जिहड़ी आ उह संग आउंदी है। सो अपनियां आउण वालियां पीढ़ियां दी खातर इहदा बैन करो। ते कई जिहड़े लोकां दा शिकवा है जी कि तुसीं कल्ले जिहड़े रेहड़ी वाले आ उहनां दी जिहड़े लिफाफे आ उहदा बैन करी जांदे हो, जिहड़ियां दूसरियां कंपनीज़ आ फैक्टरियां ने उह प्लास्टिक नहीं बैन कर रहे। सो मैं भरावो तुहानूं सारयां नूं दसना चाहुंदा कि कोई भी कंपनी है वह भी एक जिहड़ी स्कीम है वह भी पंजाब दे विच चल रही है, तो उहनूं भी असीं सख्ती नाल इंप्लीमेंट करावांगे। कोई भी फैक्टरी फर्ज कर लो जे 10 किलो मल्टी लेयर प्लास्टिक उहनूं कहिंदे आ जो मार्केट दे विच दे रही है, तो उहने 10 किलो ही साडे कोले जिहड़ी जमा करवाउणी आ, फिर अगली मार्केट दे विच जिहड़ी डिलीवरी आ उह दे सकदे आ। सो उहनां ते भी असीं पूरी सख्ताई करांगे तां कि जिहड़ा एनवायरमेंट दे विच जिहड़ी प्लास्टिक है वह जीरो है जिहड़ी वह रह सके। सो मेरी थोनू सारयां नूं बेनती है कि तुसीं साथ दिओ, जिहड़े लोग भी इस मुहिम च साथ देणगे असीं उम्मीद करदे हां सारे देणगे उहनां दा धन्नवाद करांगे, पर जिहड़े नहीं देणगे तां सीएम साहब दा इह आदेश है, क्योंकि उहनां ने कहा कि असीं रंगला पंजाब जिहड़ा इह बणाउणा है, इह रंगला पंजाब तां ही बणूगा जे इत्थे रुख लगणगे ते जे वातावरण साफ होऊगा, तां फिर सानू आउण वाले समें च पोल्यूशन डिपार्टमेंट जिहड़े कोई मैनुफैक्चरिंग करूगा वरतों करूगा तां आउण वाले समें च असीं सख्ती भी जिहड़ी है उह करांगे। सो मैं इन्हां शब्दां नाल ही मुख्यमंत्री साहब दा उहनां ने समां कढ़िया ते इक पॉजिटिव जिहड़ी मुहिम है उहदा अज आगाज करन जा रहे हैं, मैं उहनां दा इत्थे पहुँचण ते मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा, तो सारयां नूं मैं दोबारा अपील करदा कि मुख्यमंत्री साहब वालों शुरू की इस मुहिम च सारे पंजाब के जिहड़े वासी अपनी आने वाली पीढ़ियां की खातर साथ दिओ। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतह। बहुत बहुत शुक्रिया श्री गुरमीत सिंह मीत हेयर, वातावरण मंत्री पंजाब जी ने तुहाडे नाल अपने विचार सांझे किए हैं। हुण मैं सत्कार दे नाल सद्दा दिंदा हाँ पंजाब दे सूचना ते लोक संपर्क मंत्री श्री अमन अरोड़ा जी नूं कि उह वी तुहाडे नाल अपने विचारां दी सांझ पाणगे। बहुत ही परम ते सत्कारयोग पंजाब दी आन बान शान, पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, साडी कैबिनेट दे सारे कोलीग्स, MLA साहिबान, ऑफिसर साहिबान और सामने पंडाल दे विच सज बैठी सारे साध संगत जीओ, हाजरीन,
फतेह करो प्रवान, बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो तुहानू सारयां लख लख मुबारक कि अज दे इस इतिहासिक मौके दे उपर पंजाब दे मुख्यमंत्री तुहाडे अपने पंजाब दी आन बान शान भगवंत मान जी ने इहो जे इनीशिएटिव इहो जे उपराले अज धूरी दी संगरूर जिले की इस धरती तो दिते ने कि जिस तो उन्हां दे सर्वपक्षी बहुमुखी जिहड़ी परसनैलिटी है उन्हां दी उहदा बड़े सहजे ही आपां अंदाजा ला सकते हाँ। अज जो सही मायने दे विच समाज की जो धरती दी जरूरतां ने जो पंजाब दी जरूरतां ने वो उपराले चाहे वातावरण नूं बचाउण दी गल होवे जिस दे संबंध विच सिंगल यूज प्लास्टिक नूं बैन करन दी गल है और उहदे नाल नाल वण महाउत्सव वड्डे पद्धर दे उपर मनाए गए जिसकी शुरुआत अपनी इस धरती तो मान साहब ने की है। क्योंकि पिछले समय दे विच तुसी देखिया होगा जो कोविड सी ते उदों ऑक्सीजन दे लई आपां लोग तरसदे सीगे पर बदकिस्मती इस गल दी कि आपां लोकां ने ही पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दे गुरु साहब दे उन्हां वचना दे उल्ट जाके ना आपां आपदे हवा दी ना धरती दी ना पानी दी रक्षा नहीं कर सके। दरख्त ने जिहड़े मेरे तो पहला मंत्री साहब लालचंद जी दस के गए ने, मेरे वीर मीत हेर दस के गए ने कि किस तरीके दे नाल दरख्तों की कटाई वड्डे पद्धर दे हो जिहदी वजह करके आप सारे नूं मुश्किलां सामणियां करनियां पैंदियां ने। जिथे उस पंजाब दे पुराने विरसे नूं संभालण वाले पासे अज मान साहब ने उचेचे और वड्डे कदम चुके ने ते उत्थे ही पंजाब नूं अगे लैके जाण दे लई सिक्ख्या ते सेहत दे खेत्र दे विच पंजाब नूं मोढ़ी बनाउण दे लई पंजाब नूं सिरमौर सूबा बनाउण दे लई उन्हां ने अज संत बाबा आतर सिंह जी महाराज दी पावन पवित्र धरती दे उपर उन्हां दे नाम नूं समर्पित एक मैडिकल कॉलेज और होस्पिटल दा वी नींह पत्थर रख्या। सो मुबारकबाद दे पात्रों तुसीं धूरी वाले सारे जिले संगरूर वाले कि इहो जिहा लीडर अज इहो जिहा लीडर पंजाब दे लोकां दी दिन रात सेवा कर लग्या होया अपने बिना किसी निजी स्वार्थ तों 24/7 24 घंटे जिहड़े जिन्हां दे दिल दिमाग दे विच सिर्फ और सिर्फ यही चलदा है कि किवें मैं आपदे सूबे नूं पूरे मुल्क दे विचों सिरमौर सूबा बना दां, किवें मैं आपदे स्टेट दे बच्चों नूं पढ़ा लां, किवें मैं आपदे लोकां नूं सेहत सहूलतां देवां, किवें मैं पंजाब दे लोकां दीआं मुढ़लियां जरूरतां पूरियां करके उन्हां दे चेहरियां ते मुस्कराहट लियावां। इहो जिहा मुख्यमंत्री तुसीं धूरी वाले हो, तुसीं पंजाब नूं दित्ता, तुसीं मुबारकबाद दे पात्र हो, तुसीं धन्नवाद है तुहाडा पंजाब दे वल्लों। सो तुहाडा सारयां दा एक बार फिर बहुत बहुत धन्नवाद मुबारकबाद कि मोढ़े दे नाल मोढ़ा जोड़ के तुसीं सारे मान साहब दीआं सारीआं मुहिमां दा साथ दे रहे हो। सो एक बार फिर मान साहब तुहाडा भी दिल दीआं गहराइयां चों बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सन कैबिनेट मंत्री पंजाब श्री अमन अरोड़ा जी। हुण मैं सत्कार दे नाल सद्दा दिंदा हाँ पंजाब दे वित्त ते योजना मंत्री श्री हरपाल सिंह चीमा जी नूं कि उह वी तुहाडे नाल अपने शब्दां दी सांझ पाउणगे। श्री हरपाल सिंह चीमा जी, मंच ते विराजमान पंजाब दे मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान, पंजाब दे मेरे कैबिनेट कोलीग अमन अरोड़ा जी, गुरमीत सिंह मीत हेयर जी, लालचंद कटारू चक जी, जसवंत सिंह गजन माजरा जी, वरिंदर गोयल जी, नरेंद्र कौर पराज जी, कुलवंत सिंह पंडोरी जी, जमीलुर रहमान जी, अते साडे लोक सभा तो इलैक्शन लड़ चुके गुरमेल सिंह कराचों जी, अते समुची साडी दर्जा बदर्जा आम आदमी पार्टी दे अहुदेदार साहिबान, अते मेरे बहुत ही सत्कारयोग वख वख पिंडां तो आए हुए नौजवान वीर बजुर्ग मामा पैणा, सब तो पहला बुलाओ फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।
अज का यह राज पद्धरी समागम सिंगल वरतों के आने वाले प्लास्टिक के उत्ते पाबंदी लाने संबंध के पंजाब सरकार वालों सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों सरकार वालों आयोजित किया गया गा एक बहुत बड़ा सार्थक उपदी आबो हवा बचाना और इस दे सरदार भगवंत सिंह मान जी लगातार यतन कर रहे हैं। तुहानू सारयां नू पता कि धरती हेठला पानी बचाउण दे लई पहली बार होया कि पंजाब विच डायरैक्ट जिन्हां किसानां ने झोने की सीधी बिजाई की उन्हां दे लई 1500 रुपया प्रति एकड़ की जिहड़ी राशि आ सहायता राशि आ प्रदान करन दा पहला इतिहासक फैसला पानी बचाउण दा सरदार भगवंत सिंह मान ने लिया गा। और इस तरह मजबूरी दे विच जो किसान पराली साड़दे सीगे उन्हूं बचाउण दे लई पहली बार होया गा कि पंजाब दे बजट दे विच 200 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया। यह भी सरदार भगवंत सिंह मान जी की सोच आ। सो मेरा कहण दा भाव पानी बचाउण दी हवा बचाउण दी धरती नूं बचाउण दी सोच सरदार भगवंत सिंह मान जी लैके चले नेगे, पंजाब नूं बचाउण दी सोच लैके सरदार भगवंत सिंह मान जी चले नेगे और लगातार पंजाबियों के हक दे विच पंजाबियों के हक दे विच लगातार फैसले हो रहे ने। पहले 4 महीनों के दौरान इतिहासिक फैसले पंजाब की सरकार ने किए ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने किए ने। पुरानियां सरकारां तुसी सारियां सरकारां देखियां ने, पुरानियां सरकारां 4.5 साल बाद होश में आउंदियां सी फैसले करन लगदियां सी पर लेकिन मान साहब ने पहली बार होया गा कि 26454 साढ़े नौजवान भरावां दे लई साडियां भैणां दे लई नौकरियां दा इश्तिहार पहले 2 महीनों जारी किया गया। इस तरह पुरानियां सरकारां क्योंकि मेरी अगवाई दे विच मान साहब ने कमेटी बनाई आ, सब कमेटी बनाई आ, 2016 दे विच एक एक्ट अकाली दल बीजेपी की सरकार लेके आई, सिर्फ जदों कोड ऑफ कंडक्ट लगना सी जदों इलैक्शन का समा सी चंद दिन पहला एक्ट आया और मानजोग हाई कोर्ट ने स्टे करता, वह की सी कच्चे मुलाजमान नू पक्के करन दी प्रक्रिया वो स्टे हो गया। और उस तो बाद पुरानी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार उन्होंने भी वह जो एक होर एक्ट लैके आता वह भी जोड़ा है सिरे नहीं चढ़ सकया, वह भी मानजोग गवर्नर साहब को पेंडिंग पिया। क्यों? क्योंकि वह लास्ट वाले 3 महीनों फैसले करते और मान साहब ने पहले 3 महीनों फैसला किया गा कि जोड़े साढ़े कच्चे मुलाजम ने उन्होंने बड़ी जल्दी पक्के किया जाएगा और कमेटी बन गई, वो प्रक्रिया जारी आ। मेरा कहण का भाव इतिहास जे इतिहास में फरोलीए जड़िया पुरानिया सरकार लास्ट वाले 6 महीनों फैसले कर दिया सी वो पहले 3 महीनों पहले 4 महीनों के पंजाब सरकार कर रही है, एक बहुत बड़ी जड़ी आ मैं समझदा पंजाब की तरक्की का राह होया गा। और मैं ये दसदा मैं ये शेयर करद बड़ी खुशी हो रही आ कि पहली बार पंजाब के खजाने के पंजाब का खजाना खजाने की जी सेहत खराब सी वो पंजाब के खजाने की सेहत ठीक होने लगी आ और पहली बार जेडे एक्साइज के लगभग 6200 करोड़ रुपये आते इसे साल 9600 करोड़ रुपए तब्दील हो रहे हैं। यह भी एक मैं समझना बहुत बड़ा स्टैप सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई चुकया गया। इस तरह जे मैं गल करा GST टैक्स की गल करा और पहली बार होया गा कि लगभग 28% का बड़ा वाधा उस दर्ज किया गया गा। सो मेरा कहने का पावा कि लगातार पंजाब दे विच बड़े बड़े फैसले पंजाबियों के हक में हो रहे नेगे पर लेकिन कुछ साडे विरोधी जिहड़े हैगे नेगे वो हमेशा रौला पाउंदे रहिंदे नेगे, उन्हां कोले सिर्फ विरोध करन तो सवाए होर कोई काम नहीं हैगा। और मैं तुहानू यही यकीन दिवाउणा गा कि मान साहब लगातार पंजाब दे विच बहुत अच्छे फैसले जिहड़े हो रहे नेगे और यकीन रखियो पंजाब दे विच आउण वाले 5 सालां विच पंजाब दी तस्वीर जिहड़ी आ उह बदल जूगी। अज मैं एक अखबार च खबर पढ़ रहा थी हालांकि जिहड़े बिल ने गे जनरल बिल ने गे 300 यूनिट वाले वह अगले महीने तो आने स्टार्ट होए ने पर लेकिन कईयां दा सर्कल मान साहब पहला खत्म हो रहा गा। अज खबर आई आ कि पंजाब जिहड़ा 300 यूनिट मुफ्त करन दा फैसला तुसी लिया गा उहदे नाल लोकां दे 0 बिल आने पंजाब स्टार्ट हो चुके ने गे, यह भी एक इतिहासक तौर पर बहुत बड़ा फैसला गा। सो मेरा कहण दा पावा कि पंजाब तरक्की वल वध रहा, पंजाब दे विच एक नौजवान एक भगत सिंह की सोच को अपनाए सरदार भगवंत सिंह मान जी अगवाई कर रहे हैं। सो मैं इन्ना कुछ कहता होया तुहाडा सारयां दा साडी समुची कैबिनेट दा सरदार भगवंत सिंह मान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। ब्रह्म फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।
बहुत बहुत धन्यवाद। वित्त ते योजना मंत्री सरदार हरपाल सिंह चीमा जी का। हुण वण विभाग पंजाब दी तरफों अज दे समागम दे मुख मेहमान पंजाब दे माणयोग मुख्यमंत्री जी दा सन्मान करन दी रसम अदा की जानी है। वन विभाग पंजाब दी तरफों मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी दा सन्मान करन दी रसम पंजाब नूं हरा भरा बनाउण दी मुहिम अज दा ए 72वां राज पद्धरी वण महाउत्सव। हुण पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड वल्लों विशेष तौर ते तैयार किया गया जूट दा बैग जो कि प्लास्टिक दे लिफाफे दे बदलवें साधन दे वजों तैयार किया गया है उस नूं रस्मी तौर ते जारी करन दी रसम मुख्यमंत्री जी वल्लों अदा की जानी है। पेंटिंग विशेष तौर पर तैयार की गई है IFS अधिकारी कल्पना मैडम ने जो कि फील्ड डायरेक्टर हैं चिड़ियाघर छतबीड पंजाब के। प्लास्टिक बैग के बदल वजों जूट के बैग तैयार किए गए हैं। हुण मुख्यमंत्री जी वक् वक् शख्सियतों नूं जो इत्थे मंच ते मौजूद हैं माणयोग कैबिनेट मंत्री साहबान MLA साहबान ते होर शख्सियतां उन्हां नूं चंदन दे बूटियां दी वंड की जा रही है। चंदन दे बूटे माणयोग मुख्यमंत्री जी वल्लों प्रमुख शख्सियतों नूं अज इत्थे राज पद्धरी वण महाउत्सव दे मौके ते दिते जा रहे हैं। प्रमुख शख्सियतों नू माणयोग मुख्यमंत्री जी चंदन दे बूटियां दी वंड कर रहे हैं। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਇੱਥੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਵ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਭਦੌੜ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। हुण जूट दे बैग दी वंड इत्थे लॉन्च किया जा रहा है। जूट दा बैग मुख्यमंत्री जी अते होर कैबिनेट मंत्री साहबान दी तरफों पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड दी तरफों विशेष तौर पर तैयार किया गया ये बैग। हुण मैं सत्कार दे नाल सद्दा दिंदा हाँ डिप्टी कमिश्नर संगरूर श्री जतिंदर जोरवाल जी नूं कि उह जिला प्रशासन संगरूर दे निवेकले उपराले पहल दे बारे
जानकारी देंगे। वीडियो प्लीज। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी दे दिशा निर्देशा हेठ सर असी एक पहल की शुरुआत की है सर, वो 2 मिनट की एक स्मॉल वीडियो है सर, वो असी प्ले करना चाहते सर। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगे वधू सोच अते पंजाबियों लई वधतों वध रोजगार कारोबार अते उधमशीलता बनाउण दे दिशा निर्देश हेठ जिला संगरूर प्रशासन वालों एक पहल की शुरुआत की गई है। पहल के तहत जिला संगरूर दे विच स्कूल दी यूनिफॉर्म्स सैल्फ हैल्प ग्रुप्स यानी SHGs दे राही तैयार की गई हैं। ये जिहड़ी SHGs हैगियां इन्हां दे फाइनैंशियल हैल्प प्लस इन्हां दी ट्रेनिंग पंजाब सरकार वालों की गई है। असी वक्रे वक्रे सैल्फ हैल्प ग्रुप्स नूं इंपावर कर रहे हैं कि वो खुद का एंटरप्राइज शुरू करन, कोई ना कोई लाइवलीहुड उन्हां दा जनरेट हो। इहदे विच असी एक ऑपरचुनिटी देखी, सरकारी स्कूल्स विच हर साल यूनिफॉर्म्स प्रोक्योर करके बच्चों विच मुफ्त वंडियां जांदियां ने। गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स संगरूर दे विच 430 यूनिफॉर्म किट्स बनियां सीगियां, जिहदे विच सलवार कमीज दुपट्टा सॉक्स कैप पुलओवर ये सारा कुछ एक स्टिपुलेटेड जिहड़ा सरकारी रेट है उहदे विच तैयार करना सी। सर मोबाइल ते व्हाट्सएप ते ग्रुप बने हुए जी नारी शक्ति ग्रुप, उहदे विच मैसेज गया सी जी, मैंने जदी रिप्लाई कीता जी मैसेज, उस 2 दिन तो बाद चों जी इतों मैनूं कॉल गई हैगी भी तुसीं काम करना चाहुंदे होंगे इस करके भी आपां ड्रेसां दा काम कर रहे हैंगे। मैं क्या हाँ जी, सानू बहुत माण है कि साढ़े सैल्फ हैल्प ग्रुप की लेडीज़ ने सारा मटीरियल जो असी सैंपल दिता सी उस तो 1 या 2 लैवल वध दा बैटर इन्होंने टोटल स्टिचिंग की हैगी है, तो सारी यूनिफॉर्म किट्स प्रिपेयर की ने। हाँ जी, असी कुल 5 पिंडां दीआं लेडीज़ ने काम किया जी, 18 लेडीज़ ने काम किया जी, इस नाल साडी आमदन विच बहुत वाधा होया। भविख विच भी असी काम करना चाहुंदे हां जी, सारिआं दा साडा तजर्बा बहुत वधिया रहा, असीं अगे भी चाहुंदे हां भी सानूं वध तों वध काम मिले जी। साडा टीचा इही है भी हुण साडा पायलट प्रोजेक्ट एक स्कूल दा जिवें सफल होया तां हुण अगली वार तों असीं वध तों वध स्कूल्स सैल्फ हैल्प ग्रुप्स दे थ्रू इन्हां दे कॉन्ट्रैक्ट दवाउण दी असीं कोशिश करांगे। पर जिवें आपां सोचिए भी जेंट्स दे कल्ले दे सिर ते घर नहीं चलदा, जे लेडीज नाल मतलब मदद करनगियां तां घर नूं चलाउणा होर भी बहुत ही आसान हो जांदा। पंजाबियों नूं स्वै रोजगार अते रोजगार दी प्राप्ति होई है अते जिहड़ा टीचा है पहल दे तहत जिला संगरूर प्रशासन दा वो ये है कि पहल एक रिवोल्यूशन बनन SHGs दा, जिस करके हर घर दे विच हर परिवार दे विच हर पंजाबियों दे विच एक आवाज़ आनी चाहीदी है कि वो अपने पैरां ते खड़े। धन्यवाद। सर असी यह छोटी जी शुरुआत की है सर, 5 बच्चों नूं रस्मी तौर पर सर तो यूनिफॉर्म सिलवानियां हैगियां सर, इस तो अलावा SHGs दे मैंबरस जिन्होंने ये यूनिफॉर्म बनाई है सर वो भी नाल ने। हुण मैं बेनती करांगा माननीय मुख्यमंत्री जी नूं कि वो आज एड्रेस करन। आज धूरी दे विच वन महाउत्सव के मौके ते बहुत सारियां जनहित स्कीमां नूं लॉन्च करन दे मौके ते इकट्ठे होए, स्टेज ते शोभित मेरी सरकार दे कैबिनेट दे साथी
वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी, शहरी योजना ते विकास मंत्री अमन अरोड़ा जी, वातावरण अते खेड मंत्री मीत हेयर जी, एमएलए लहरा गागा वरिंदर गोयल जी, एमएलए संगरूर छोटी भैन नरेंद्र पराज, एमएलए पदौड़ लाभ सिंह उगोके, एमएलए महल कलां कुलवंत पंडोरी जी, एमएलए अमरगढ़ गज्जन माजरा साहब, एमएलए मलेरकोटला जमीलू रहमान जी, ते एमएलए धूरी मैं। बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद। तुसी सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान वीर, मावां भैणां, छोटे बच्चे, साडी पार्टी दे सीनियर अहुदेदार साहबान, वलंटियर साहबान, अपने मोटरसाइकलां च आप तेल पवा के पंजाब दी तरक्की दी अग अपने दिल च लै के साडा हौसला वधाउण लई साडे नाल लड़े, साथों वध टाइम इस बदलाव वास्ते दिता। मैं तुहाडा सारा दा धन्नवादी हाँ। चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मत्थे। सब तो पहला फतेह प्रवान करो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो, जिस वेले चोण प्रचार कर रहे सी अरविंद केजरीवाल जी दे नाल, पिंड पिंड शहर शहर कस्बा कस्बा जा रहे सी, रोड शो हो रहे सी, रैलियां कर रहे सी, नुक्कड़ सभावां वलंटियर कर रहे सी, तां असीं पंजाब दे लोकां नाल अखां च अखां मिला के एक वादा भी कर रहे सी कि एक बारी मौका दिओ, उस तों बाद तुहाडे कोल इन्नी वधिया सरकार दी कारगुजारी मिलूगी कि अगली बार कहण दी लोड़ नहीं पैणी, असीं नीयत दे सच्चे हाँ, साढ़े ते यकीन करके देखो। और मैं इस गल लई 3.25 करोड़ पंजाबियों का धन्नवाद करदा कि उन्होंने यकीन किया है, तो हुण इस यकीन ते आपां पूरे उतरना है। हुण अपनी जिम्मेवारी है, लोकां ने अपना फर्ज निभाता, हुण फर्ज निभाउण दी वारी अपनी है। क्योंकि इस तों पहलां बड़े वड़े वड़े वादे लारे लगते सी, उन्हां नूं वोटा पा देंदे सी, 2-3 महीने देखते सी, तो बाद कहिंदे सी चलो यार ये भी है जी ने धोखा हो गया, अगली बार देखांगे इन्हां नूं, अगली बार होर आ जांदे सी, वह भी ऐं करदे सी, बड़े धोखे खाधे ने। इसे करके हुण लोग काले पए होए ने कि छेती छेती कम बन जाण पंजाब ठीक हो जूगा। मैं उन्हां दा काले पैण दा कारण जाण सकदा, मैनूं पता है, क्योंकि सियाणे कहिंदे आ दुद्ध दा फुकिया लस्सी नूं भी फूका मार मार के पींदा है। पहलां धोखे बहुत हो गए, इस करके हुण उन्हां नूं इह है कि छेती छेती ये साड़ी जिहड़ी सरकार है वो ठीक करे, और असी लगे भी होए हाँ।
ठीक होन लग गया हुण हौली हौली। अज बूटे वंडे जा रहे ने आ पे ने बूटे स्टेज ये अज तो दो महीनों बाद तुसी इन्हां बूटियां तो छां नहीं लभ सकदे। अज तो दो तीन महीनों बाद कोई फल भी नहीं लगना। बूटा पहला जड़ां जमाऊगा फिर वह वड्डा होगा फिर वह छां देन लगेगा फिर फल फुल देन लगेगा। जिहड़ा इमानदारी वाला बूटा पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी वाला बूटा जिहड़ा तुसी लाया है इस गल का यकीन दवाउंदा है वह बूटा कि छां फल ते फुल लगणगे पहलां वालियां वांगू। पहलां वालियां वांगू असी देखो फल नीवियां रुखां नूं लगदे सिंबला तू माण ना करी। सो फल लगणगे मेहनत दा टाइम है लोकां दे पक्ष च। मेरे सामने मेरे बहुत सारे साथी बैठे ने जिन्हां नूं मैं जानदा उन्हां नूं भी जिम्मेवारियां मिलणगियां वह भी हुण सरकार दा हिस्सा बनणगे। आउण वाले दिनां दे विच तुहानूं भी जिम्मेवारियां मिलणगियां क्योंकि जे तंदूलकर नूं कीनियां दी टीम च भेज दिए वह कल्ला नहीं जिता सकता नाल उहदे आले दुआले भी चाहीदे है प्लेयर वधिया। सो इस करके आपां एक बहुत वधिया टीम बनावांगे इमानदार लोकां दी कि लोग ये कहन कि इस बार वोट पाउण दा नज़ारा आ गया इस बार गल बनी है। 15 अगस्त नूं 75 मोहल्ला क्लीनिक शानदार पंजाब नूं समर्पित कर दिते जाणगे। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 100 ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਆਉਣਗੇ। 90% ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਮਸਤੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਅਰੀਨਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖਿਓ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਅਸਲ 'ਚ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਜੇ? ਘਰੇ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੱਸੀ ਜਲ ਗਈ ਬਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਿਰਫ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮਸਤੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਧ
होर उची चक्की होगी तुसी कहोगे यार आ काम चल रहा है ते वो काम नहीं है के पहला वाले भी कह गए मुड़के बने ही कख नहीं ये काम नहीं है 16 मेडिकल कॉलेज बनाने 5 साल 9 साढ़े को 25 हो जाएंगे हरेक जिले नू एक मेडिकल कॉलेज टच करूगा साढ़े तिया पुत इतने MBBS की डिग्री करनगे मेडिकल की पढ़ाई करनगे लखां लोगों नू होर काम मिलूगा संगरूर वाला हस्पताल अपग्रेड होगा क्योंकि यह शर्त होंगी है जो मेडिकल कॉलेज बनाना है तो वह शहर का जोड़ा सिविल हस्पताल है वह अपग्रेड होना चाहिए अप टू डेट होना चाहिए सो शुरुआत की है पवित्र धरती तो सो वीरो हुण फल फुल लगन लग गए हुण फल फुल लगन लग गए वो की कहिंदे ने अपना सुखबीर बादल की कहिंदा कहिंदा सांझ केंद्र सेवा केंद्र कहिंदा असीं बनाए सी उन्हां च बनाई जांदे ने की गल जी तुसीं अपने पल्लियों बनाए सी लोग तां पाथियां पत्थी जांदे ने उत्थे उत्थे मूहरे उत्थे आवारा पशु आवारा गावां फिरदियां ने ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੀਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ AC ਲੱਗਣਗੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 2170 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1940 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਬਈ ਪੜ੍ਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 75 ਹੋ ਜਾਣਗੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ 99% ਇੱਥੇ ਕੋਟੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟਾ ਫਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ 2 ਕਰੋੜ MBBS ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ ਜਵਾਕ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ ਕਾਲਜ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਢੱਕਣ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਪੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਢੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ DC ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਕੱਤੀ ਅਗਸਤ ਆਊਗੀ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕਰਤੀ
600 यूनिट 2 महीनों का, 31 तरीक नूं 600 यूनिट 2 महीने हो जाएंगे, बिल आऊगा फिर पहले हफ्ते सितंबर दे, और वो 600 यूनिट दे विच कोई किलोवाट का चक्कर नहीं, कोई ये नहीं हैगा भी ये जनरल घर है, ये बी सी है, ये एस सी है, ये बी पी एल है, ये फ्रीडम फाइटर है। मेरा मकसद 600 यूनिट तो थले है, बस 600 यूनिट तो थले है तो बिजली का बिल नहीं आऊगा। मैं बिजली बोर्ड को बुलाया, मैं क्या मैनू सचो सच दसो किन्ने घर 600 यूनिट तो थले बिल आऊगा कि जीरो हो जूगा उन्हों का। वो कहिंदे जी साडा पुराना रिकॉर्ड ये कहिंदा 74 लाख घर चों जिथे मीटर लगे हुए ने 51 लाख घर जीरो बिल आऊगा जी, 51 लाख घर जीरो बिल आऊगा जी, 20 दिन बाद महीने मतलब महीने बाद 5 हो गई अज। होर गरीब गरीब कहिंदा यार मेरा 15-20 हज़ार आउंदा सी, मेरा बच गया इन्ना पैसा, यही मैं आपके जवाक की पढ़ाई पर ला लूँगा, यही मैं कोई कबीलदारी च कितने होर वरत लूँगा। दसो ये आपू चाहिए आप देखो जे आप टैक्स दें तो टैक्स का पैसा किसी ना किसी तरीके वापस तो होना चाहिए ना, आ रहा है हो हुण शुरू होगा आटा दाल स्कीम। कणक लैनी कणक ले लियो, आटा लेना आटा ले लियो, पिसाई का खर्चा सरकार देगी, डीपू तो लिया डीपू तो ले आयो, घरें मंगाना घरें मंगा लियो। एक बड़ी प्राइवेट कंपनी नाल गल की है, कारां उन्हां दियां होणगियां, वो आपकी एडवरटाइजमेंट करनगे, बस आपां तो कुछ नहीं लेंदे। वो तो लिखिया होगा गरीबां नूं राशन देण वाली गड्डी, तो जदों वो गड्डी च पैकिंग होई होगी तो जदों ये गरीबां नूं राशन देण वाली गड्डी ऐ दोने पासे लिखिया होगा, जदों वो गड्डी किसी ना टकियारां वाले घर दे मूहरे खड़ी, ही उहदे कोले कार्ड है बई, उहदे कोले कार्ड बनाया होया है, उहदी पहले चलती सी, उहने चन्नी तो बनाया है, उहने मरिंदर तो बनाया, उहने सुखबीर तो बनाया। जदों गड्डी घरें खड़ूगी उहदे घर मूहरे बैल मार के कहांगे सरदार जी गरीबां वाली गड्डी आ गई, लै लो राशन। देखो किवें कटाउंदे ने फिर भी कट दो साडा ताजी कट दो, क्योंकि पिंड मैनू पता मैं पिंडां वाला ही हाँ, इह जी अल पैंदी है, लोग इह जा नां रखदे ने, कई पीढ़ियां दाग धोने औखे होंदे ने, अगला कहिंदा भुख्यां दे जाणा बई, ओह चौथा घर छड्ड के खब्बे मुड़ जी, रिश्ते नहीं होंदे, अगला कहिंदा भुखे कहिंदे ने इहनां नूं, यार सही है ना तरीका। एक बार तो गड्डी उन्होंने घर मूहरे खड़ावांगे आपां, हां जी अंदर वड़दी अंदर लै जांगे, गेल कहिंदा अंदर बड़े बड़े गेट ने गड्डी अंदर वड़ सकती है यार, कमाल है। मतलब सर सियाणे कहिंदे आ ढिड दा भुखा रज जांदा, नींद दा भुखा नहीं रजदा, की तुसी गरीबां वाला राशन लैके किहड़े चवारे छत लोंगे, किसी गरीब के मूँह च पै लैण दो बुरकी नाल लै जाना। सो इस करके आटा दाल स्कीम शुरू होण लगी है, बुढ़ापा पेंशन बहुत खज्जल खुआरियां हुंदियां सी बैंकां च, बैंकां मूहरे बजुर्ग तुरिया नहीं जांदा, लाइना ला के बैठे प्यासे भुखे देखे नहीं जाते सी। असी सिस्टम चेंज करन लगे हैं, एक प्राइवेट कंपनी ना गल हुई है, नाले वो रोजगार देगी, बुढ़ापा पेंशन तुहाडे घर का कुंडा खड़का के बजुर्गों
वो जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीटर हुंदा बायोमीटर उहदे ते गुट्ठा लवा के तुहाडे घरें आऊ जी, उहदे बदले वो कंपनी, क्योंकि कंपनी कोले पैसा बहुत जमा करावांगे असीं बैंक कोले, तां वो बैंक जिहड़ी है वह रोज़गार देगी जिहड़े मुंडे वंडणगे बुढ़ापा पेंशन, तो वह पढ़े लिखे मुंडे अपने को बथेरे ने, अपने को जिहड़े तेल पाउंदे रहे है मोटरसाइकलों, मैं उही तो कहना काम मिलेगा जबरदस्त आप देवे जबरदस्त काम मिलेगा। एक होर ये समाजिक सुर जी मसला वो हल हो जूगा, कई घर च, मैं सारे च नहीं कहता, कई घर च यह होंगे शिकायत भी मिली ने कि मुंडा बेबे बापू तो गूठा लवा लैंदा बैंक चो पेंशन कढ़ा लैंदा पर उन्होंने दिता नहीं। इत्थे की होगा, घरे जाऊगा बंदा, बेबे बापू मंजे ते पए ने उठा नहीं जाता, कोई गल नहीं गूठा लवा के एक बारी पेंशन उन्होंने हाथ च फड़ाउणी है, वह भावें नाल दी नाल आपदे मुंडे नूं दे देण, नूं नूं दे देण, सानूं इहदे नाल कोई नहीं, पर एक बारी उन्होंने मिलेगी जिन्हां दे नां ते आ, इहदे नाल बहुत वड्डे मसले हल हो जाणगे। आरसी बनाउण वास्ते बड़े पंगे पैंदे सी, किन्ने गेड़े वजदे सी डीटीओ ऑफिस दफ्तरां दे, जमा कंप्यूटराइज करता धूरी दे किसी गड्डियां दे शोरूम च जाओ, मोटरसाइकिल दे शोरूम च जाओ, नंबर उत्थे कंप्यूटर च पए ने, वह दिखा दूगा भी किहड़ा नंबर भाई तैनूं पसंद है, वह नंबर लै लो, नाल दी नाल फार्म भर दूगा डीलर, आधार कार्ड हो जूगा, फोन नंबर हो जूगा, नाल दी नाल आर सी बन के थोड़े मोबाइल पर आ जाऊगी, तुसी मोटरसाइकिल जां कार दे नाल आर सी लेके वह शोरूम चो बाहर निकलोंगे, बाहर थोनू कोई कितने पुलिस वाला रोकू, वह कहूगा आर सी दिखा दे, तुसी वो मोबाइल फोन दिखा सकते हो, वह मोबाइल फोन वाली आर सी प्रवानित है, असी वह प्रवानित करती, तो जिहड़ी दूजी आर सी है कार्ड वाली वह थोनू रूटीन च 10-15 दिन बाद डाक चापी आ जाऊगी। लर्निंग लाइसेंस बनाउणा है गेड़ेबाज दे सी, पोर्टल बनाता वो पोर्टल खोलो, वो ते टैसट दो अपना नाम तो आधार कार्ड पा के टैसट दो, नाल दी नाल टैसट का रिजल्ट आ जूगा, थोड़े फोन पर लर्निंग लाइसेंस आ जूगा। एक साल च 7.5 लाख लर्निंग लाइसेंस वास्ते 7.5 लाख बंदा अप्लाई करता है, उन्हूं घट्टो घट्ट 2 गेड़े वजदे ने, यानी कि 15 लाख गेड़े बचणगे जी, 15 लाख घरें बढ़ जूगा जी। जे नींह साफ होवे तां इहो जिहा कुछ, मऊआ ने जांदा है वह एक धूरी आऊगा, एक मोहाली आऊगा, एक उधर आऊ इत्थे आऊ, मेरे ऐ पए ने नौहां च ना ना, जदों हैवी दे लाइसेंस की ट्रेनिंग होंदी है वह मऊआ ने जाना पैंदा, उहनू एक तां धूरी च लैके आवांगे, इत्थे किते बनावांगे सेंटर, रोज़गार भी वधूगा उहदे नाल, भी धूरी वालों तो हुण तो मालक ने उन्होंने की कह सकते हुण आपां, वो तो मालक ने धूरी वाले, तो पिंड इधरले पासे अद्धे अद्धे पिंड इधरले पासे, सो धूरी वाले तो भाई मतलब जो मर्जी मंग सकते ने, तो उन्होंने जिहड़े प्यार दा मुल तो आप किसी कीमत दे नहीं सकते। सो नाल होर भी स्कीमां ने आने वाले दिनों, थानू दसांगे स्कूल बहुत शानदार होणगे, कॉलेज बनणगे, बहुत सारियां होर इहो जिहियां स्कीमां जिहनूं तुसीं देख के ते सुन के भी हैरान होवोगे भी ऐ हो सकदा यार, तुहानूं करके दिखावांगे। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੰਜਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ, ਬੱਕਰੀ ਚੋ ਲੈਣਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚਾਹੂਗਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ, ਭੱਜ ਹੀ ਗਏ ਲੋਕ, ਹੱਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਜੇ ਪੁੱਛੋ
मैनू नहीं पता जी किधर गया। लो जी कोई कारण ही होगा ना भजन का। सो इस करके आपां थोड़े नाल आ थोड़े वर्गे आ धूरी दीआं समस्यावां ते जे आईए धूरी शहर की भी बहुत वड्डी समस्या है जिहड़ी रेलवे लाइन वाली। रेलवे लाइन की बहुत वड्डी समस्या है। अद्धा शहर वंड दिंदा बंद रहिंदा है। इहते 15 करोड़ रुपया लगेगा जी। असीं ओवरब्रिज बनावांगे रेलवे दे। कुछ दुकानदार प्रभावित होणगे उन्हां नाल गल करके उन्हां नूं रीलोकेट कर दांगे। असीं किसे दा रुजगार नहीं खोणा। 15 करोड़ रुपया जिहड़ा मैं ओवरब्रिज वास्ते अज अनाउंस करन लग्गिआं। ते धूरी दा जिहड़ा सीवरेज है सिस्टम सारा बंद हो गया। ओवरफ्लो हो जांदा गलियां च फिरदा है। उह सारे सीवरेज सिस्टम नूं बिल्कुल नवें तरीके नाल पाउण वास्ते 13 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है। वह भी तुहानूं अज मंजूर कर लगे जी। उधर लाइन के परले पासे कोई पार्क नहीं हैगा। बिजली बोर्ड की जगह उत्थे पई है। उत्थे 3-4 एकड़ बिजली बोर्ड नाल गल करके असी लै लांगे। 2 करोड़ रुपये का बहुत ही शानदार पार्क जिहड़ा है वह धूरी के परले पासे लाइन के परले पासे उत्थे पार्क बनावांगे। इस तों अलावा एक बैडमिंटन का कोर्ट है। मैं ही पैसे दिते सी एम पी वेले बैडमिंटन का कंपलैक्स उत्थे 12 बच्चे खेड सकते हैं। उन्हूं बधा के 70 बच्चों की कपैसिटी का करांगे ताकि साडे बच्चे जिहड़े ने खेड सकन ते मल्ला मार सकन अगे आने वाले दिनों आने वाले खेडों च बड़े बड़े टूरनामेंटा च। बाकी पिंडां दी गल धूरी दे अद्धे पिंड इधर ने अद्धे इधर ने। पिंडां दे विच सड़कां दी प्रॉब्लम है गंदे टोबियां दी प्रॉब्लम है और सब तो वड्डी प्रॉब्लम की है बसें ही नहीं जांदियां। पुराने रूट ही बंद हो गए। जे 10वीं दा स्कूल 5 किलोमीटर ते है आपदे पिंड 8वीं दा 8वीं तो 10वीं करन वास्ते खास तौर पर कुड़ियां नू मापे भेजदे नहीं हैगे क्योंकि जमाना तुहानू पता है माड़ा है। वह किसी ना किसी हाथ दिंदियां ट्रालियां ते लटकदियां बेचारियां। सो ये किन्नियां कुड़ियां हुशियार कुड़ियां जिहड़ियां पहले नंबर ते पंजाब चों आ सकदियां सी उहनां नू मतलब पढ़ाई तो वांझे रहना पै जांदा है। जिन्ने पुराने बसों के रूट चलते सी चाहे मिनियां नाल चलाइए चाहे जिवें मर्जी चलाइए हरेक पिंड नू बस 2 वारी घट्टो घट 2 टाइम हरेक पिंड च बस आवे। तो जे कॉलेजां जां स्कूलां वास्ते स्पैशल बसां लाउणियां पईआं उह भी लावांगे पर कोई पढ़ाई वल्लों वांझा नहीं रहण देणा ना फीस वाले पास्यों ते ना वैन वाले पास्यों। ये सारे जिहड़े मैं तजर्बे ने ये धूरी करूँगा। धूरी तो कामयाब होणगे सारे पंजाब च करूँगा। नहरी पानी दा करांगे जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब करांगे करांगे तो तुसीं तां ऐ करदे हो जिवें महीने बाद सरकार टुटण वाली होवे। खड़ जाओ खड़ जाओ खड़ जाओ। नहरी पानी सूए कस्सियां सब पुराना हो गया सिस्टम नवा बनावांगे। नवा बनावांगे। मैं काली च मैथों फिर काम करा लोंगे फिर कहणगे पहले पानी नाल ही प्रशासन की पोल खुली। हाँ सारिया नहरां नवें तरीके नाल बनाउणियां। सेंटर नाल गल हो रही है सेंटर नाल गल चल रही है। सूए कस्सियां बंद हो गए वो साफ करके। इस तों अलावा कस्सियां जिहड़ियां जिहड़ियां ने ना उन्हां दी थां ते बहुत सोहणियां पाइपां पावांगे। जिथे पहला फट्टा लग्या हुंदा सी उत्थे एक पॉइंट छड्ड दांगे ताकि पानी जिहड़ा वो जिहड़ा उन्हां नूं प्रॉपर मिले। तो सूए कस्सियां नहरां जिहड़ियां नवीआं बणनगीआं उन्हां दे विच विचाळों उन्हां नूं कच्चियां छड्डांगे ताकि पानी थोड़े जिहा थल्ले भी जावे सिमे। ठीक है ना। हुण तां मोम भी पाउण लग गए भी जमां तुपका भी ना थल्ले जावे। सो असीं बहुत वड्डियां कंपनियां नाल गल कर रहे हां ताकि पानी नूं धरती दे विच रीचार्ज कर सकीए। मीह का पानी बचा के उन्हूं रीचार्ज करिए फसलों नूं बदल के ते आपां जिहड़ा पानी दा उपर पद्धर लैके आईए। धूरी का इलाका है गन्ने का इलाका है। मैं गल तुहानूं दसनी चाहुंदा 294.98 करोड़ रुपया सरकार दा खड़ा सी किसानां वल खड़ा कई साल का सी पर असीं
माणयोग वित्त मंत्री इतने बैठे ने, महकमा कोऑपरेटिव महकमा इन्हां कोल है, कोऑपरेशन का महकमा इन्हां कोल है। असी 100 करोड़ रुपया तो पाता गन्ने वाले जिहड़े उत्पादक ने उन्हां दे खात्यां च, 15 अगस्त नूं 100 करोड़ होर पै जूगा, तो बाकी रहिंदा 94.98 करोड़ 7 सितंबर नूं, वह भी पै जूगा। सरकार की देनदारी जीरो हो जूगी जी गन्ने वालियां प्रति सरकारी। हुण आ जाओ प्राइवेट वल, 150 करोड़ प्राइवेट दा जी, बाकी सारिया मिलां नाल गल होगी 7 सितंबर तो पहला, वह भी निबड़ जू। अकाली हजे 2.5 करोड़ इन्ह ने पाया धूरी वालिया ने, तो इन्हों का जिन्ना भी रहिंदा 7 सितंबर तो पहला पहला वह पैसे आ जाएंगे। सिर्फ एक मिल फगवाड़े वाली जिन्हों छड़ के वो भज गए इंग्लैंड, वह 72 करोड़ रुपया रहिंदा वीरो, 72 करोड़ चो 20 करोड़ की उन्हों की जमीन है साढ़े को फतेहाबाद, वह बेच देंगे। रह गया 52 करोड़, 8 करोड़ रुपए की उन्होंने को खंड पई है, वह भी बेच देंगे। रह गया 44 करोड़, 44 करोड़ का झगड़ा रहिंदा, वह असी सेंटर ना गल करके उन्होंने भावें जिमें मर्जी बुलाइए, उन्होंने नोटिस नूटिस जारी करके, होर कोई पैसा गन्ने दे बीजन वाले किसानों का नहीं रहूगा। भविख दे विच भी यह जी कोशिश की जाऊगी कि ट्राली जदों ला के वह मिल च आउण, उदों 14 दिन तो पहला पहला यानी कि अगली ट्राली भरन तो पहला पहला उन्होंने पैसे मिल जाण, तां गन्ने दा जिहड़ा किसान है वह बचूगा, क्योंकि गन्ना साल की एको ही फसल है। जे उहदे भी पैसे ना मिलन तो फिर वह कितने ना कि झोने वाल जा कि होर जाऊगा, फिर उ बिजली का खर्चा तो पानी का वो चलूगा। सो इस करके फसलों बचाने की असी बदलाउण दी असी स्कीम जिहड़ी है वो चला रहे हैं। तो बाकी मुख्यमंत्री दे दफ्तर जिहड़ा वो धूरी च एक खुलूगा, संगरूर च भी दफ्तर खुलूगा, हरेक MLA दा एक दफ्तर जिले च, हरेक MLA दे विधानसभा हल्के च होगा। आपां खज्जल खुआरियां तो बचाने लई इत्थे ही तुहाडे कोले अफसर बैठणगे, तुसीं जिहड़ी मर्जी धूरी दे इलाके की कोई समस्या है दफ्तर च दस दिओ, मैथों हर रोज़ देखो आया नहीं जाना क्योंकि सारे पंजाब की जिम्मेवारी है, पर इत्थे कोई ना कोई साढ़े टीम चो इत्थे बंदा बैठूगा, वो नाल दी नाल कंप्यूटर च फीड करके सीधा जिहड़े भी महकमे का वो काम है उत्थे जाऊगा, ते नाल दी नाल तुहानू शाम तक या अगले दिन तक फीडबैक आऊगी कि भाई आह कागज़ घट है, आह कागज़ दे जो, वो दूजा काम बंद कर देना आपां जिहड़ा पहलां जथेदारां ने नहीं चलाया हो, जथेदारां ने पिंडां च आपां कहने यार काम है बई हुण तेरे कहे ते वोटां पाईआं सी लै चल उत्थे, ऊँ 3 दिन तो ऊँ ही ला दो, हजे गल नहीं हुई 3 दिन बाद चलांगे, कोई नहीं कोई नहीं। तीजे दिन कहिंदा लै कार करा ला, फिर कार करा ली, चल नंबरदार नूं भी नाल ही लै चलदे, चल नंबरदार हथ नूं मुड़े आवांगे, बह गए 8 जने गए, रोटी तो रोक लो इत्थे वधिया बनदी इत्थे रोटी रोको, रोटी भी खा ली ठीक है, जदों बिल जे देण दी वारी आई उदों पेशाब करन चले जांदे ने, ते उह तों बाद जदों उत्थे जांदे ने मंत्री दे कहिंदे तुसीं बाहर बैठो मैनूं कल्ले नूं मिल लैण दिओ, बंदा कल्ला अंदर चला जांदा है, अंदर भावें मंत्री ने गालां कढ़ियां होण वी किधर मूँह चक्किया तूं यार तीजे दिन आ जांदा है, बाहर आके कहिंदा लै गल बन गई थोड़ी गुरदेव तेरा नाँ तां उहने खास तौर ते लिया सी, कहिंदा कम तां होऊगा ही होऊगा, कम अपना बन गया चलो चलीए, जांदे जांदे कहिंदे ने फिर हत्थे ठेके तो 2 बोतलां लै लो, फिर कहिंदे ने चल फिर इत्थे जे चुक चिकन चुकन दा प्रबंध कर लो, उह गेड़ा 10 तों 15 हज़ार च पैंदा है जी, पैंदा ना, झूठ तां नहीं बोलदा मैं, वह गेड़े बंद करने हैं चंडीगढ़ वाले जिहड़े 15 हज़ार च पैंदे है, इत्थे आओ आपकी अर्जी फड़ाओ काम थोड़ा हो गया, जदों असी वोटां मंगदे हां उदों तुहाडे घर घर आउंदे हां भी वोटां पाओ, जदों जित जांदे हां उदों कहिंदा चंडीगढ़ आओ, ये किवें हो जूगा। सरकार तुहाडे द्वार, सरकार थोड़े दरां ते आऊगी, तुसी सरकार दे मालक हो। सो इस करके मैं थोनू बेनती करदा कि मैं मेरे MLA साहिबान जां मेरे वलंटियर जिन्ने ने उन्होंने एक होर बेनती करदा, थोड़ा जिहा संजम नाल काम लिया करो, सरकार है अपनी हुण किसी नूं अफसर नूं किसी नूं झिड़कण वाली जिहड़े काम ने उह थोड़ा जिहा संजम तो कम लो, अफसरां नाल प्यार नाल गल करो, जे उन्हां नूं कोई देखो उन्हां दा कसूर नहीं कोई, सिस्टम उन्हां नूं काम नहीं करन दिंदा। जे हुण आपां कहीए वी स्कूल च जिहड़े ने उह टीचर ही जिम्मेवार ने, नहीं,
ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਨਗਣਨਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਆਊਗੀ, ਹੁਣ ਸੈਂਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਜਨਗਣਨਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 68,000 ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 68,000 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ BA MA MSc ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਾ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਨਾਲੇ 68,000 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਮੇ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵਕਤ, ਡਰੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਊਈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਊਈਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਜਿੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੌਲੀ ਜਾਇਓ, ਹੌਲੀ ਜਾਇਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਤੇ ਬਸੰਤੀ।